नमस्कार। आने वाले हफ्ते में प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुख रह सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से करते हैं। हमने देखा कि पिछला हफ्ता गोल्ड और सिल्वर के लिए काफ़ी उठापटक भरा रहा, जहां पर हफ्ते की शुरुआत तेज़ी के साथ हुई और गोल्ड ने 46,700 के दाम छुए थे, चांदी ने भी लगभग 61,500 के ऊपर के लेवल देखे थे। लेकिन हफ्ते का क्लोज आते आते चांदी 60,000 को मुश्किल से होल्ड कर पाई और गोल्ड भी जो है 46,000 के करीब क्लोज देने में कामयाब हुआ, जो एक नेगेटिव क्लोज था। इसी बीच हमने 45,800 और 59,500 के लेवल भी गोल्ड और सिल्वर में टेस्ट होते हुए देखे। तो मेजर जो कारण था वो फेडरल रिजर्व यानी अमेरिकन सेंट्रल बैंक की बैठक के बाद हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में खास करके एक दबाव का माहौल बनता हुआ दिखा और डॉलर इंडेक्स में जो मजबूती देखने मिली खास करके और साथ ही साथ यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में भी जो एक बढ़त देखने मिली, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने ये हिंट दी कि 2022 से ही कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स जो हैं बढ़ना चालू हो सकती हैं, तो इससे गोल्ड में एक दबाव का रूप देखने मिला है और ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्ते में भी एक दबाव का माहौल ओवरऑल देखने मिलेगा। हालांकि शुरुआती दिनों में पहले एक या दो सेशन में हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव दिखाई ज़रूर दे सकता है 46,300 से 350 तक का गोल्ड में और चांदी में 61,000 से 61,200 तक का, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो मूव होगा ये लिमिटेड होगा और फिर से हमें ऊपरी स्तरों से एक दबाव का रूप देखने मिलेगा, जहां पर दाम जो है वो दोबारा 45,700 से 800 के बीच गोल्ड के दिखाई दे सकते हैं और चांदी में दोबारा 59,500 से 59,300 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि शुरुआती तेज़ी के बाद बिकवाली जो है वो दोबारा हावी हो सकती है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। वहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ रुख करें तो हमने जहां पर नेचुरल गैस में 355 से 350 का लेवल छूते हुए देखा, जो हमने पिछले कुछ हफ्तों में डिस्कस किया था कि 410 से ज़्यादा तेज़ी इमीजिएट तौर पे दिखाई देना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। 405 से 410 का एक डेली क्लोजिंग बेसिस रेजिस्टेंस नज़र आ रहा था, तो डाउनसाइड में जो 380 और 355 के दोनों स्तर हैं वो बाज़ार ने छुए। वहीं 355 का टारगेट खत्म होने के बाद हमने एक शॉर्ट कवरिंग मूव 375 से 80 तक का भी आते हुए देखा है। ऐसा लगता है कि नेचुरल गैस में ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है ये आगे एक्सटेंड होगा। 380 के ऊपर अगर दाम टिकते हैं तो 392 से 395 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। यूएस में एक और हरिकेन की संभावना बनी हुई है और तीसरा हरिकेन होगा, जिससे हो सकता है कि रिफाइनरीज पे हिट हो सकता है यानी सप्लाई पे हिट हो सकता है नेचुरल गैस की, तो ये चीज़ नेचुरल गैस प्राइसेस को सपोर्ट कर सकती है निचले स्तरों पे। वहीं कच्चे तेल में भी तेज़ी का रुख आने की संभावना थी और हमने वही देखा है कि 5,470 के ऊपर के क्लोज हमने पिछले हफ्ते आते हुए देखे और ऐसा लगता है कि ये जो तेज़ी है बरकरार रहेगी। 5,380 से 5,350 की जोन में एक इमीडिएट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जब तक ये लेवल होल्ड करेगा तब तक 5,550 से 5,580 तक के स्तर हमें कच्चे तेल में देखने मिल सकते हैं। वहीं नाइमेक्स क्रूड में भी हमें $76 से $77 तक के लेवल आने वाले कुछ हफ्तों में देखने मिल सकते हैं, तो कच्चे तेल में भी तेज़ी की संभावना बनी हुई है। वहीं अगर बेस मेटल्स की तरफ रुख करें तो हमने जिंक में काफ़ी शानदार तेज़ी आते हुए देखी। हालांकि जो सितंबर वायदा है वो 275 के ऑल टाइम हाई को छू पाया और अक्टूबर वायदा जो है बैकवर्डेशन में चल रहा है, यानी उल्टा बदला जैसे कहते हैं, 14 रुपये का फ़र्क है 261 के करीब। लेकिन मुझे लगता है कि अक्टूबर वायदा में भी हमें तेज़ी का रुख देखने मिलेगा। 255 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा अक्टूबर फ्यूचर्स के लिए और अपसाइड में 268 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। तो बेसिकली एक तेज़ी का ही रुख जिंक में बना रहेगा। वहीं कॉपर में काफ़ी उठापटक देखने मिली है, 730 से 680 तक के दायरा हमें देखने मिला है, लेकिन ये ज़रूर है कि 680 से 670 के बीच फ़िलहाल कॉपर का एक बेस बन रहा है और 730 के ऊपर अगर चलने लगे तो दोबारा 745 से 750 तक की रुख हमें देखने मिल सकती है, तो एक बड़ी सी रेंज हमें कॉपर में देखने मिलेगी ऐसा मेरा मानना है। वहीं एल्यूमिनियम में भी हमने तेज़ी का रुख देखा और हफ्ते का जो क्लोज़ है वो 231 के ऊपर देखने मिला। ऐसा लगता है कि ये जो तेज़ी है ये बरकरार रहेगी और अपसाइड में दोबारा 235 से 36 तक के लेवल हमें आने वाले हफ्ते में देखने मिल सकते हैं, इसलिए डिप बाइंग एडवाइजेबल है। इमीडिएट तौर पर
228 का एक सपोर्ट होगा, और जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है तब तक जो तेज़ी का रुख है वो बना रहेगा, 235 से 36 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो ये था एक जायज़ा कि आने वाले हफ्ते में नॉन एग्री काउंटर्स में क्या रुख रह सकता है। धन्यवाद।